नीतीश कुमार जी के साथ काम किया हूँ ना, इस पार्टी को बनाने में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से ये लाचार हैं बेचारे, ये कर क्या सकते हैं। ये जितने उपदेशक इनके क्या हैं, खुद दारू पीते हैं, तो इनके ऑफिसर, इनके अगल बगल रहने वाले लोग, ये लोग यहाँ घट जाता है तो दिल्ली चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, ये सब लोग जानता है, ये सब लोग जानता है कि इनके मंत्रियों से ज़्यादा इनके चहेते आईएएस अफसरों को धन कमाया गया है, ये कमाया गया है। इस अराजकता में इतना आराम से जो इतना लूट का धन करेगा वो तो भोग करेगा ना, वैयासी करेगा ना। बिहार फंस गया है इन अराजक तत्वों के हाथ में, इसलिए झेलना पड़ेगा। टुन्ना पांडे को आज याद आया है, मैं तो भाजपा के लोगों को भी कहता रहा हूँ, जिस दिन मुजफ्फरपुर में ट्रक भर शराब पकड़ाया था एक जेडीयू के सांसद के होटल में, जिस दिन बिहार शरीफ में जेडीयू के कार्यकर्ता पकड़े गए थे और के पाठक जैसे ईमानदार आदमी को हट गए, क्योंकि जमीन बेच के वो नहीं कर सकते थे, तो ये सारा मैसेज नहीं है। जिस दिन जितेंद्र कुमार को, जो एडीजी आज हैं, एक ईमानदार अफसर को हटाया गया बहाली से, तो लोग नहीं समझा कि जो दलालों का चल रहा था वो नहीं चलेगा, वो दूसरे आदमी को दो जो दलाली को संरक्षित करता है और यहाँ माल पहुँचाता है। अरे ये सारी चीज़ सुशासन बाबू को पता है, ये बेचारे हेल्पलेस हैं। एक एक बहाली में, एक एक खरीदारी में, एक एक कंस्ट्रक्शन में, एक एक ठेकेदारी में, चाहे बालू हो, दारू हो, ये सारे चीज़ों में हिस्सेदारी है। हमको एक आंकड़ा मिला है कि 14,000 करोड़ रुपया दारू से सिर्फ सरकार के चहेतों के पॉकेट में जाता है, 14,000 करोड़ रुपया। ये 14,000 करोड़ रुपया थोड़ा होता है, ये किसी को मरवा देगा, किसी का जीवन ले लेगा, कहीं एक्सीडेंट करा देगा। हम लोग गलती से जिंदा हैं इनके राज में, बोलते जा रहे हैं, कोई असर है क्या? ईएसआई हॉस्पिटल की बात इन्होंने किया, 500 बेड मधेपुरा में, 500 बेड, इतना झूठा। और कंपटीशन है इनके नेताओं में कि के कहे कि हमने शुरू करा दिया, हम राजनाथ सिंह के यहाँ गए, हम ही करा दिया। और कर्नल जो दानापुर के डॉक्टर कर्नल थी, उसने खुद बयान दिया, रिकॉर्ड में है, कोर्ट में बयान दिया। माननीय, ये उच्च न्यायालय और ये न्यायालय पद्धति मरी नहीं होती, आज भी जिंदा है, वहाँ भी जमीर के लोग हैं, इसलिए ये इतना भी चीज़ें निकल करके आ रही है। कहा कि 18 बेड हमारे के यहाँ, 500 बेड की घोषणा कैसे कर रहा है? और करने की मंशा रहता ना, सिर्फ छपास की बीमारी है, अखबारों पर इनका कब्जा है। चीफ एडिटर हैं सुशासन बाबू सभी अखबारों के, यही छपना चाहिए, जो हमें आने पहुंचा है वो नहीं छपना चाहिए, अखबार से चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक देश के अंदर ही नहीं, जब विचार मरता है तो सब जगह मरता है, दुनिया के अंदर भी। ये बिलगेट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, और उन दिनों भी मैं कह रहा था कि ये आदमी नाटक कर रहा है, कुछ बड़ा कांड करने वाला है। ये 70 लाख लोग ऑफिस